वक्त से हर जगह ये न्यूज़ बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि ब्लैकपिंक के तीन मेंबर्स यानी जेनी, जिसो और लीसा शायद अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेंगे और वो YG एंटरटेनमेंट को छोड़कर किसी और कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इसी के बीच में हमारी प्यारी जेनी को काफी ज्यादा हेट मिलने लगी, वो भी हाइप को ज्वाइन करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनी ने हाइप को कब ज्वाइन किया और अगर कर भी लिया है तो उनको हेट क्यों मिल रही है। तो ये सब कुछ क्लैरिटी से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जरूर जुड़ जाइए। तो आर्मीज, आप सभी को ये न्यूज तो पता ही होगी कि कुछ वक्त पहले बिग हिट ने YG एंटरटेनमेंट के काफी सारे शेयर्स खरीद लिए थे, जिसके बाद YG एंटरटेनमेंट के अंदर बिग हिट की एक काफी बड़ी होल्डिंग क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद ये भी बोला जा रहा था कि शायद BTS और ब्लैकपिंक एक ही साथ आ जाएंगे और एक ही कंपनी का ग्रुप बन जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब न्यूज में आया कि ब्लैकपिंक की तीन मेंबर्स शायद ब्लैकपिंक को छोड़कर अपना सोलो करियर ही चूज करने वाली हैं। तो इसी बीच में जब ये हो रहा था कि ब्लैकपिंक के मेंबर्स को किस कंपनी में जाना चाहिए, तो बहुत से आर्टिकल्स का ये कहना था कि जेनी को YG एंटरटेनमेंट छोड़कर हाइब को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि BTS की कंपनी है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का वी को लेकर भी मोटिव था, जो कि वी और जेनी को शिप करते रहते हैं। उनका कहना था कि जेनी को हाइब को ज्वाइन कर लेना चाहिए और कुछ लोग वैसे ही बोल रहे थे कि जेनी को हाइब में आ जाना चाहिए। लेकिन अचानक से जेनी को इस बात को लेकर बहुत हेट मिलने लगी और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि जेनी और वी को साथ में नहीं देखना चाहते या फिर जेनी को पसंद नहीं करते, उनका कहना था कि जेनी हाइब के लिए सूटेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि हाइब की जो कंपनी है वो अपने बहुत ही एनर्जेटिक डांस और आइडल्स के लिए फेमस है, जैसे कि BTS, TXT, ले सेराफिम, इस टाइप के ग्रुप। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि जेनी को तो सही से डांस भी नहीं आता, वो ब्लैकपिंक में इतना धीमे धीमे डांस करती हैं तो वो हाइब के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना था कि हाइब में सिर्फ और सिर्फ एनर्जेटिक और टैलेंटेड ही आइडल्स को आना चाहिए और जो लोग जेनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते वो जेनी को बहुत हेट कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ जो लोग वी के साथ जेनी को पसंद नहीं करते वो बेकार में जेनी को हेट दे रहे थे और बोल रहे थे कि जेनी वी की वजह से हाइब में नहीं आ सकती, हाइब तो उन्हें ऑडिशन में भी सिलेक्ट नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों मेन बात ये है कि पहली बात तो जेनी का हाइब में जाने का ही कोई मोटिव है नहीं, कहीं पर भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जेनी हाइब में जाने वाली है, और अगर वो जाएंगी तो उन्हें सिलेक्ट करना ना करना हाइप की मर्जी है। ऐसे में आइडल्स को बेकार में हेट करना और उनके बारे में भूला भरा बोलना बहुत ही गलत बात है। तो आर्मीज, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि जेनी को हाइप ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।